पहले जो बैलून हमने लगाया इसमें उसको सबसे पहले एयर मतलब उसमें डालने के लिए उड़ाने के लिए आपने क्या अरेंजमेंट किया? इसके लिए एक वाल लाए हैं जो मैनुअली वाल है, एक निप्पल फिट किया पहले, उसके बाद वाल फिट किया, फिर एक निप्पल फिट किया, उसके बाद में एयर पाइप फिट किए। जब एयर इसमें पूरा फिलअप हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो एयर पाइप है उसको निकाल लेंगे, वाल बंद कर देंगे, तो जो बैलून के अंदर एयर है वो होल्ड हो जाएगी। वाल्व उसी में लगा रहेगा, खाली हम जो हॉस वाली फिटिंग है उसको रिलीज कर देंगे। इसमें जो सर हमारा मतलब जो एयर जाने के लिए जो स्पेस रहता है बैलून में, वो पहले से मतलब फ्लैप टाइप का कट रहता है कि हमें अलग से कट बनाना पड़ता है जब हम वो फिटिंग उसमें डालते हैं? नहीं, जब ये आया था तो ये फुल डमी था, हम लोगों ने इसको क्या है किसी नुकीली चीज़ से उसको ड्रिल किया है, जहाँ से जो एयर इंस्टॉल करते हैं वहाँ हमने ड्रिल करके उसके बाद निप्पल फिट करके और वॉल फिट किया। ओके, तो हमें उत्ते पोर्शन को ड्रिल करके फिर निप्पल वहाँ फिट करना है। ड्रिल करते टाइम कोई विशेष सावधानी जो हमें बरतनी है? जो उसमें बाहर फ्लैंस दिया और उसमें इनसाइड थ्रेड है जो कि डैमेज नहीं होए, विशेष ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद हमें करना है। फिर आपने इसको अंदर कैसे डाला सर, मतलब अंदर अंदर में इसमें हुक दिए हुए होल्डिंग के लिए, साइड में हुक दिए हुए जिसमें क्या है हम इसको डिवाइड कर लेंगे। मान लो हमारे पास डोर कितने हैं, जहाँ से हम रस्से आउटसाइड करेंगे वो डोर कितने हैं हमारे पास, उतने हम रस्से इसको डिवाइड कर लेंगे डोर के हिसाब से। मान लो इसमें होल्डिंग के लिए आठ हुक है, तो आठ मान लो दो डोर है तो हम चार चार हुक डिवाइड कर लेंगे दो डोर के हिसाब से। तो चार रस्से जो है एक डोर से निकाल लेंगे, चार एक से निकाल लेंगे और उनमें होल्ड कर लेंगे और इसको हम पूरे जो बैलून है उसको इनसाइड डाल देंगे। उसके बाद में जो वॉल है उसको हम ओपन कर देंगे एयर का, एयर इसमें फिलअप हो जाएगी। जब एयर फिलअप हो जाएगी तो हमें रस्से खोल देंगे जो हमने लगाए हुए हैं? नहीं खोलेंगे, लगे रहेंगे। ओके, मतलब इसका पोजीशन यहीं पे रहेगा, राइट? यस। और इसका यूज फिर क्या होगा? इसका यूज ये होगा कि अगर कहीं से लूज कोटिंग है या कहीं पाउडर रुका हुआ है या कोई ऐसी चीज गिरती है तो उस चीज को ये नीचे नहीं जाने देगा, जो नीचे आदमी काम करे उसको होल्ड कर लेंगे। मतलब मेन हमारा पर्पस है कि नीचे आदमी से अपने काम करें। थैंक यू सर।